और ये वाले रास्ते पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे। तो चलो बहुत लेट हो चुके हैं, हमने यहाँ पे स्टॉप लिया था, अब चल रहे हैं अपने वापस से सफर पे। हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू न्यू डे न्यू व्लॉग। तो आज वो व्लॉग है जिसका हम बेसब्री से इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, ट्रैवलिंग वाला, मतलब बाइक राइडिंग वाला। आज बाइक से हम गाँव जा रहे हैं, तो आज आपको ये वाला सफर देखने को मिलेगा। आप घर से तो निकल चुके हैं और पूरी तैयारी के साथ निकले, क्योंकि रास्ते में बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है, अभी से उड़े, तो इसे बांधने के लिए भी हमने रखा हुआ है। अब अपने सिटी से बाहर निकलेंगे तभी मिलते हैं, ठीक है? श्यार तो हम लगभग खंडवा से बाहर निकल आए हैं, अभी तक हमने अपना सेफ्टी कवर को यूज नहीं किया। चलो इतना लंबा सफर तय करेंगे तो पेट्रोल भी डलवा ही लेंगे। तो हम हो चुके हैं पैक, सिर्फ आंखें दिख रही है हमारे, चश्मा लाना भूल गए भाई। सफर का मजा लो क्योंकि अब हम तो दिखेंगे नहीं। आवाज आ रही है? आवाज तो आ ही रही होगी आई होप, लेकिन हमारी आंखें भी नहीं दिख रही है ठीक से। और धूल मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ रही है, इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है। तो चलो अब नजारा दिखाते हैं आपको। क्रॉस मतलब अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं, सीधे सीधे जाना है। तो आप दूसरे गांवों में मिलेंगे, ये ब्लॉग पता नहीं ज्यादा लंबा ना बनने में कोशिश करूंगा। ये चलो वापस से तो यहाँ पे सालों बाद रास्ता था जो बहुत सही था, मतलब सही था, बोले तो एकदम ढलान थी पहाड़ों के बीच में से, लेकिन अब ये दूसरी ढलान है, ये पूरा ढलान वाला रास्ता है। दिखाता रुको, अरे तू आगे देखना, तू क्यों उधर देखना, तेरा देखा हुआ नहीं क्या? जब उधर नीचे उतरेंगे तब मैं आपको दिखाता हूँ वहां का रास्ता। तो जो ये वाला है ये ओरिजिनल रास्ता, तो ये दिख रहा है ये वाला, और ये वाले रास्ते पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे, लेकिन अब बन रहा है हाईवे, तो इसीलिए उसको पूरा काटा जा रहा है ताकि रास्ता एकदम सीधा हो सके। जैसे दिख रहा होगा एक रास्ता घूम के आया हुआ है, एक रास्ता सीधे सीधे है, लेकिन उसमें ढलान बहुत ज्यादा थी, तो ये वाला जो रास्ता था वो बड़े ट्रक्स के लिए बना गया था जो हेवी था। ये वाला रास्ता, तो यहाँ से ये वाला रास्ता मिलता था, साइड से वो वाला रास्ता गया था। तो चलो आप नेक्स्ट गाँव, आपने जो रास्ता देखा यहाँ से होते हुए पहाड़ों से होते हुए उधर ही जाएगा, तो वैसे अच्छा है, देख के अच्छा लग रहा है कि तरक्की हो रही है, और मुझे नहीं पता आपको इतनी हवा में आवाज आ भी रही होगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट। फाइनली हम गांव में पहुंच चुके हैं, देखो आपको गांव का नजारा दिखाता हूँ। कहाँ पे ऊपर चढ़े होंगे? ऊपर चढ़ नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन जितना दिखा सकता हूँ उतना दिखाता हूँ। रुको, यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी, दिखाता हूँ मैं आपको। मोबाइल छुड़ा के ना भाग जाए भाई, क्या बोलते?
बड़ा बंदर है। कैसा बैठा हुआ है वो? देखे आपने यहाँ पे कितने सारे बंदर। हालांकि ये हमारा खानदानी गांव है, लेकिन हमें कभी पता नहीं था कि यहाँ पे इतने बंदर भी है। पता था बट इतने सारे है ये नहीं पता था। ये कौन है? यहाँ से दिखेंगे, देखो इसे दिखेंगे। यहाँ पे कौन है ये? ये कौन है? ये कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? ये कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? ये कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? ये कौन उठाएगा? तो अब हम निकल रहे हैं वापस गांव से अपने शहर। बहुत टाइम हो चुका है, हम बहुत लेट हो चुके हैं। तो हमने आते समय गांव की सड़क नहीं दिखाई थी, अभी गांव की सड़क भी दिखा रहा हूँ आपको। वो 2 किलोमीटर मेन, अरे अभी मच्छर वच्छर भी आने लगे, हमको वापस से ये पहनना पड़ेगा भाई। तो अच्छी जगह पे जाके मिलते हैं, जा रहा हूँ। चले बोलने नहीं, अभी आपको बोल रहा हूँ, बाद में इसमें बोलेंगे। तो चलो, बहुत लेट हो चुके हैं, हमने यहाँ पे स्टॉप लिया था, अब चल रहे हैं अपने वापस से सफर पे। मिलते हैं अपने खंडवा शहर में जाके। अभी गांव नहीं दिखा पाऊंगा, रात हो चुकी है, शायद कुछ दिखेगा भी नहीं, अभी मैं भी नहीं दिख रहा हूँ। चलते है एकदम ठंडा माहौल हो गया है बाबा, और हम सिर्फ ये पतला सा शर्ट पहन के आए, लेकिन फिर भी ठंड नहीं लग रही हमें। हम चलाएंगे, कौन चलाएगा? हम चलाएंगे। ऊंचा कुत्ता मरा हुआ था यार, पता नहीं किसने ठोक दिया रात में। भगवान उनसे आत्मा को शांति दे। हालत सब ऐसी हो गई है, और जाते समय भी हम पेट्रोल डलवा रहे, मतलब आते समय भी पेट्रोल डलवा रहे, जाते समय भी डलवा रहे। हालत खराब हो गई थे बाबा, जल्दी जल्दी आ गए। गाड़ी की ऐसी हालत कर दी, इन्हें चला के आधा किलो, 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चलाई थी बस, उधर से पेट्रोल पंप तक आए। पहुंच चुके हैं अपनी सिटी में, अपने शहर में। तो चलो नजारा दिखाता हूं। सो व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है, और इस व्लॉग में हमने ज्यादा कुछ बोला ही नहीं है, सिर्फ आपको दृश्य दिखाए है, मतलब दृश्य दिखाए, मतलब क्या दिखाया? दृश्य होता है। तो जितने अच्छे अच्छे सीन हो सकते थे हमने दिखाए, तो इसीलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते कल वाले ब्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, बाय बाय।